ऐसा क्या है प्रदीप मिश्रा की कथा में जो उनको सुनने जन सैलाब उमड़ रहा है? सुनना और वैष्णव के लिए गाना। पांचवा प्रश्न है, माँ जिस बेटे को जन्म देती है अपने स्तन का दूध पिलाती है, अपने रक्त से सराबोर कर गर्भ में रखती है, वो बेटा एक दिन अपनी माँ से मुख क्यों मोड़ लेता है? प्रश्न जरा प्रबल है। थोड़ा भारी प्रश्न है और इसका उत्तर देवाधिदेव महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनके बेटे ने भी मुख मोड़ लिया था। ज्ञाते आपको, जब गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवाधिदेव महादेव आपने गलती कर दी, कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया, तो देवाधिदेव महादेव ने कहा इसने मेरी परिक्रमा करी, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा फिर करें क्या? इतने में माता पार्वती ने कहा देवाधिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया, और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर परिक्रमा कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज एक वर मांगती हूँ, अगर देना चाहे तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए? माता पार्वती ने कहा वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता, कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी, और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे, सारा व्यापार फोन पे, हाँ माल भेज देना, हाँ ऐसा कर लेना, ऑफिस में बैठा बैठा लिखा पढ़ी करता रहे, ऑफिस में बैठा बैठा काम करता रहे, और एक बेटा इंदौर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां पहुंच रहा, वहां कर रहा, माता पिता की निगाह में कौन सा बेटा वो ज्यादा काम करता दिखेगा? बोल दो रही जी। अरे बोलो बोलो, तुम तो बोल पीछे मैठो तो निमाड़ी हो, या तो मिर्ची के लिए बोल दिए तो भाई बोलवा में कहीं जाए, तुम घबराना वबराना नहीं, तुम तो बोलो। सबको क्या लगेगा, ये बेचारा वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, काम तो सारा यही कर रहा है, और दूसरा वो तो बता रहा है, वो भी अपना बुद्धि का परिश्रम कर रहा है, तो दूसरा भी चल फिर कर परिश्रम कर रहा है। परिश्रम में दोनों कम नहीं है, ये माँ जानती है, इसलिए माता पार्वती ने कहा कि वो शरीर का परिश्रम कर आया और इसने बुद्धि का परिश्रम करा, तुमने प्रथम स्थान दे दिया। माता पार्वती जी कहती है भोलेनाथ एक वर दे दीजिए, शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस वर इतना सा दे दीजिए, आज के बाद कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं हो, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो, अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने कहा तथास्तु, भोलेनाथ बोले तथास्तु, इसलिए पार्वती ने कहा आपकी आधी परिक्रमा होगी, जहां से चले थोड़ी दूर तक घूमे, जहां से जल निकलता है उसको पार नहीं किया गया, वापस घूमकर वहीं से आ गए, आपकी आधी परिक्रमा होगी, क्योंकि आप भोले इतने हो, कोई परिक्रमा लगाकर चले गया तो तुम दे दो, तुम्हारे तो वचन लंका अधिपति रावण ने आकर कह दिया था कि प्रभु सोने की लंका दे दो, दे दी, एक दिन उसने कह दिया पार्वती जी को दे दो, निकल ले जा, जा।
होता है ना, एक डॉक्टर ने मरीज गया और मरीज ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, बहुत परेशानी है जीवन में। तो डॉक्टर समझा रहा था उसको, बहुत प्रेम से समझा रहा था कि देखो दिन भर भले तुम टेंशन में रहो परंतु रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना, रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। तुमसे निवेदन है दिन भर कैसे भी रहना पर रात को टेंशन लेके मत सोना। तो मरीज बोला फिर वो टेंशन को मायके भेज दूं क्या? मतलब टेंशन कौन थी, टेंशन कौन थी, उसको मायके भेज दूं? तो डॉक्टर बोला भैया तू अपने घर जा, मेरी लड़ाई मत करा देना, तू अपने घर जा, मंगा देवाधिदेव महादेव। वही वही बात सामने जो प्रश्न था ना एक सम्मुख में कि वही चूहे दानी में चूहा सोता है, साबुन दानी में साबुन, फिर मच्छर दानी में इंसान क्यों सोता है? तो गुरु ने मच्छर से कहा उसका केवल एक कारण है कि ये काम, ये लोभ, ये विषय, ये आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा के मच्छर अंदर प्रवेश ना करें, इसलिए शिव महापुराण रूपी ज्ञान की मच्छरदानी लगाकर चैन की नींद सोइए। ये प्रवेश नहीं करें, मनुष्य सेफ्टी के लिए अपने लिए सेफ होकर ज्ञान की मच्छरदानी में सोए। अब वर दीजिए मुझको कि आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, तूने वर मांगा है दे देता हूं। कार्तिकेय जी आए, कहा पिताजी मैं परिक्रमा कर आ गया हूं। पिताजी ने कहा ठीक है, इतने में गणेश जी बोल दिए प्रथम गिनती में मैं गिना जाऊंगा क्योंकि मैंने माता पिता की परिक्रमा करी है। क्रोध आ गया। कार्तिकेय जी उसी समय पर समझाए भोलेनाथ जी, खूब समझाया माता पार्वती जी ने, पर कार्तिकेय नहीं माने और कार्तिकेय श्री सेलम पर चले गए। और श्री सेलम पर जाकर कार्तिकेय बाबा उस श्री सेलम में जाकर विराजमान हो गए, जिनका नाम मल्लिका अर्जुन हो गया। क्या नाम पड़ गया भगवान का? मल्लिका अर्जुन। भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। अब देखो महीने में एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर मल्लिकार्जुन भगवान को, भगवान कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचते हैं। प्रत्येक महीने में भगवान शंकर और पार्वती वहां पहुंचते हैं कार्तिकेय जी को मनाने के लिए कि कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए। वही प्रश्न माता वृंदा कर रही है भोलेनाथ के सामने, भगवान नारायण के सामने। एक परम भगवती वैष्णव दूसरे वैष्णव से प्रश्न कर रहा है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है, माँ जब बेटे को जन्म देती है, तो बेटा अपने माता पिता से मुख क्यों मोड़ लेता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण? पर कई घर ऐसे भी हैं जिसमें माता पिता से बच्चे मुख नहीं मोड़ते। भाई कई घर ऐसे भी हैं, आज भी कई घर ऐसे हैं, घर में एक व्यक्ति बीमार होता है और उसके लिए अगर खिचड़ी बनती है चावल की तो पूरे घर को खिला देते हैं, पूरे घर। घर में एकादशी का व्रत एक का होता है, साबूदाने की खिचड़ी सब खाते हैं। इसी से नजर आती है कि एकता कितनी अपने घर में, और इसी से नजर आती है कि व्रत एक का और निपटा सब रहे, इससे समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है। तब
ऐसा नहीं कि सभी घर में वृंदा का जो प्रश्न है बड़ा सुंदर प्रश्न है कि माता से पिता से बच्चा मुख क्यों मोड़ लेता है, जिसको दूध पिलाया, जिसको जन्म दिया, जिसको सम्मुख रखा, वो मुख क्यों मोड़े। शिव कह रहे हैं ऐसा नहीं, वृंदा देवी दो कारण है जिसके कारण वश घर में बेटे का जन्म होता है और उस जन्म का भाग माता पिता को प्राप्त होता है। दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि घर में एक बेटा एक बहू आपकी सेवा कर रहे हैं और घर में अगर बेटा बहू आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसका फल क्या है। माता वृंदा ने कहा कि माँ जब दूध पिलाती है, माँ अपना रक्त दे देती है, तो फिर बच्चे मुख क्यों मोड़ लेते हैं। शंकर जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, ये गौ सेवा का भाग है। धेनु मानस में, गरुण पुराण में विष्णु संहिता में सुंदर बात कही गई है, यदि आपने गौ माता को रोटी दी है, प्रेम से सहलाया है, ताजा भोजन जानते हो, घर में रोटी बनी, पहली रोटी किसकी बनती है, गाय की रोटी बनी, सबके जीवने से पहले रोटी गाय को दी है और मान लो वही रोटी फ्रिज पे रख दी, फिर डब्बे पे पड़ी रही, सब ने जीम लिया, तब पन्नी में पॉलिथीन में टंगी रही, शाम को 4-5 बजे गाय आई, तब उसके मुंह में रोटी जब ठंडी कल्ली बासी सब हो गई तब उसके मुंह में दी, उसका फल और ताजी रोटी का फल जरा ध्यान से देख लीजिएगा, समझना इस कथा को बहुत ध्यान से। पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमारे बच्चों का जन्म होता है वृंदा, पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमें हमारी संतान प्राप्त होती है। अगर किसी गौ माता की सेवा करी है, गाय को एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गौ माता की सेवा करी है, किसी की सेवा में अगर तुम लगे हो, किसी जीव को, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कौवा है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, किसी जीव को अगर तुमने ताजा भोजन दिया है और उसकी सेवा प्रेम से करी है, तो तुम्हारे घर में जो बेटा जन्म है, तुम्हारे घर में जो बहू आती है, वो तुम्हारी सेवा में तल्लीन रहती है महाराज। और अगर तुम्हारे दरवाजे पर गाय आई, तुम्हारे दरवाजे पर जीव आया, तुमने एक बार रोटी दे दी और रोटी देने के बाद दूसरी बार उसको डंडा लेकर भगा दिया, तुमने गाय को धप मार कर भगा दिया, गाय दरवाजे से भूखी चली गई, कहीं तुमने डंडा मार दिया, कहीं उसको अपशब्द कह दिए, कहीं चिल्ला के बोल दिए, हाओ अभी तो दी थी रोटी, फिर आ गई, अब मत दे क्या, मना कर रही हूं ना, अंदर रख दे छोरा, बार बार रोटी देगा क्या, अभी दी तो थी, और घर में चिल्ला चोट करे बड़बड़ाए, गाय को देखकर जब एक बार दे दी ना, बार बार देंगे क्या, जान दे उसको, या डंडे से भगा दे, या उसको पूछ दबा के भगा दे, पानी डाल दे, जा उसको जो अंदर घर में गाय दरवाजे पर खड़ी है और एक बार रोटी देने के बाद तुम्हारा मुख बड़ 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 करे, समझ लेना ऐसा ही बेटा और ऐसी ही बहू तुझे मिलने वाली है, जब तुझे रोटी देंगे तो बड़ बड़।